हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर चैनल में। वार की तरह आज फिर आपके लिए आए हैं हम एक नई वीडियो लेकर। खाना नंबर 8, पाठकों, खाना नंबर 8 में बैठे राहु जातक को निम्नलिखित शुभ फल प्रदान करते हैं। पहला, जातक दिलेर होता है। दूसरा, कभी अमीर तो कभी गरीब बन जाता है। तीसरा, अपने रिश्तेदारों को सहायता से ही तरक्की करता है। चौथा, खाना नंबर 8 में राहु को और मंगल खाना नंबर 12 में हो तो धन की प्राप्ति होती है। पांचवा, 28 वर्ष में भाग्योदय होता है। छठवा, 22वें वर्ष में बिजली विभाग में नौकरी प्राप्त करता है। सातवा, मान इज्जत पूर्ण रूपेण प्राप्त होता है। आठवा, मंगल खाना नंबर 12 में होने पर शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। नौवा, घर परिवार का बूढ़ा बुजुर्ग यदि काले रंग के हो या निसंतान हो अथवा करना हो तो राहु का बुरा असर नहीं होता। अशुभ फल, पाठकों, खाना नंबर 8 में बैठे राहु जातक को निम्नलिखित अशुभ फल प्रदान करते हैं। पहला, जातक व्यर्थ के झगड़ों में धन व्यय करता रहता है। दूसरा, ऐसे जातक का कोई भी मददगार नहीं होता, सभी जगह अपमानित होना पड़ता है। तीसरा, जातक बवासीर और पेट के दर्द की बीमारियों से ग्रसित रहता है। चौथा, परिवार में किसी से मेल मिलाप नहीं करता। पांचवा, जातक व्यवसाय बदलते रहता है। छठवा, नौकरी में तबादला होता रहता है। सातवा, सब कुछ होते हुए भी बराबर होता है। आठवा, जातक का जीवन कभी ऊपर कभी नीचे रहता है। नौवा, बेईमानी से कमाया हुआ धन 8 गुना हानि पहुंचाता है। दसवां, स्वयं अच्छे खानदान से उत्पन्न होकर भी काफरों जैसा व्यवहार करता है। ग्यारहवा, माता कष्ट में रहती है। बारहवा, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। तेरहवा, सगे संबंधी दुश्मन जैसा व्यवहार करने लगते हैं। चौदह, अपना विश्वास पात्र इंसान ही कभी कभी ऐसे जातक की मृत्यु का कारण बन जाता है। पंद्रह, राहु संबंधी वस्तुओं का व्यवसाय करने पर सर्वनाश हो जाता है। सोलवा, 21वें वर्ष में विवाह, 22वें वर्ष में बिजली या जंगल विभाग की नौकरी प्राप्त करने से सब कुछ तबाह हो जाता है। ऐसे जातक नैतिक अनैतिक किसी भी कार्य से धन संचय करने में नहीं हिचकते। अठारवा, ऐसे जातक को भाई नहीं होते या नष्ट हो जाते हैं। उन्नीसवा, पत्नी के प्रेम में फंसकर माता पिता बहन को अपमानित करता रहता है। बीस, पुत्र संतान के लिए दूसरा विवाह करना पड़ता है। 21, हर काम में रुकावटें आती हैं। 22, राहु खाना नंबर 8 में शनि 2 या 3 में चंद्र खाना नंबर 1 में हो तो चांदी और लोहे का सामान खरीदने पर धन संपत्ति की जड़ कट जाती है। 23, ऐसे जातक का फरियाद कोई नहीं सुनने वाला होता है। अशुभ फल निवारण के उपाय, जो भी जातक नंबर 8 में बैठे राहु की अनिश्चितता से परेशान हो वह निम्न उपायों द्वारा परेशानी को प्रसन्नता में बदलें। पहला, 4 किलो सिक्का 8 टुकड़े में बनाकर दरिया में बहावे। दूसरा, सिक्के धातु से बना अठन्नी या सिक्के का घिसा हुआ 1 रुपया वाला सिक्का प्रतिदिन 8 सिक्के या 1 सिक्का बहती दरिया में लगातार 43 दिन बहावे। तीसरा, 4 सूखे नारियल जो हिलाने पर खड़कता हो तो जातक नदी में बहावे। चौथा, चांदी में बना 4 ग्राम का चौकोर टुकड़ा हर समय जेब में रखें। पांचवा, घर के आंगने में अंगीठी लकड़ी आदि ना जलावे और ना ही सिगरेट बीड़ी पिए, नहीं तो धन नष्ट हो जाएगा। छठवा, 8 किलो कच्चा कोयला और 8 किलो काले मां बहती दरिया में डालें। सातवा, सिद्ध राहु यंत्र पंडित YN झा के कार्यालय से प्राप्त कर राहु के अनिष्ट फल दूर करें। आठवां, पड़ोस में बड़बूजे की भट्टी हो तो कभी कभी उसमें तांबे का पैसा डालें। नौवां, नया मकान बनावे तो पुराने वाले मकान की ईंट छत पर जरूर लगावे। दसवां, घर का छत लेंटर वाला नहीं बनावे, कच्ची छत बनावे। ग्यारहवां, भवन का मुख्य द्वार हाथी जितने कद का निर्माण करावे। बारवा, छत पर लकड़ी या लोहे आदि का कोई भी कवाड़ ना रखें। तेरवा,
रस्सी आदि के गोले छत पर भूल से भी ना रखें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9929991208।